हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सुबह सुबह दिल्ली में बारिश होती हुई और नीचे देखो सारी गाड़ियों के ऊपर सारा कूड़ा। आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी सुबह सुबह के टाइम, पता नहीं 4-5 बजे कब से हुई, मुझे ये नहीं पता। मैं सो रही थी बट आवाज़ आने में लगी हुई थी। मेरी छोटी भी हो गई है और अब मैं जाने लगी किचन में। पता नहीं क्यों घूम क्यों रही है ऐसे पता नहीं क्या हो गया। और बाहर देखो मौसम ऐसा हो रखा है ना, अभी बारिश आ जाएगी। और मैंने सारे कपड़े सुखा रखे हैं अभी, आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे, थोड़े बहुत ही धोए थे मैंने, बस सुखा देती हूँ। और पता नहीं बारिश जब भी आ जाएगी। तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि बनाना है हमको इडली सांभर। और राधे मैडम का एक ही काम है, डैडी की यहाँ पे, और वो बस टीवी। आज छुट्टी है तो बस टीवी। तो उसका टीवी पता नहीं क्या देख रही है अभी, तो हनुमान जी। हाँ, अभी पहले रामायण देख रही थी, उसको पता नहीं क्या इतना ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है ना रामायण देखने का, बहुत ज़्यादा। और अभी अभी ना बेल बजी थी तो कुछ आया है हमारे गेट से, मैं बताती हूँ। और हमारे गेट से ये एक पेपर आ रखा है और इसमें कुछ आ रखा है मोर्टीन का कुछ, देखते हैं क्या है इसमें। तो इन दोनों डिब्बों में ये दिए हैं और इसमें ना खुशबू ऐसी आ रही है जैसे कुछ वो तो नहीं है इसमें, मतलब जला के मच्छर नहीं आते इस टाइप करके, क्योंकि मोर्टीन का दे रखा है, पता नहीं क्या है ये। तो ये दो आ रखे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये दाल और चावल मैंने रात में ही भिगो दिए थे। और क्वांटिटी ये थी कि एक ग्लास दाल ली थी तो 3 ग्लास चावल लिए हैं। और बाकी जब दाल भिगोई थी तो उसमें मैंने जो ये मेथी दाने होते हैं ना वो भी डाल दिया था 1 चम्मच। तो ये रात में भिगो दी थी तो अभी मैं इसको पीसूंगी और फिर इनो डाल दूंगी। तो उसको जो रात जैसे बोलते हैं खमीर लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इनो डाल के फिर आराम से हमारी बहुत फ्लफी इडली बन सकती है। ये नारियल काट दिए हैं क्योंकि जो मैं सांभर बनाऊंगी ना ये बिना सांभर मसाले के बनेगा तो उसमें नारियल डालना पड़ता है थोड़ा सा। और ये देखो मैंने डाल दिया है सब कुछ, इसको मिक्स कर देते हैं और इसको सीटी लगा देंगे, 2 सीटी या 3 सीटी में ही आराम से हो जाएगा। सो अपनी रसोई में साफ़ करके बर्तन पर धो के चली गई थी तो बर्तन संभालती हूँ पहले। और ये नारियल काटे हुए हैं ये तो बता ही दिया था मैंने, और ये मैं पीस दिया था मैंने, तो दाल को चावल को दोनों को पीस के गट्ठे इसमें डाल दिया था। अभी इसमें नमक डालना है, फिर इसके बाद डालेंगे इसमें इनो के 2 पैकेट। और ये है जो हमारी दाल, ये भी आई थिंक धो ही गई होगी, ये दाल भी गई है। ये सब्जी है ना बड़ी बड़ी ऐसी काट के डाल दी थी, ये टमाटर आप जो भी डाल सकते हो, सांभर फली थी नहीं हमारे यहाँ, सांभर फली डाला नहीं, भिंडी मैं बाद में डालूंगी फ्राई करके। तो ये दाल भी उबल गई है अच्छे से, बाकी और पकती है ना उसमें तो और दाल हो जाएगी। मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है इस चक्कर में मैंने फ़ोन अपने मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर लगा दिया है, अब बनाना शुरू करते हैं। और ये जो बना रही हूँ ना वो बिना जो सांभर मसाला होता है ना उसके बना रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको नारियल चाहिए पड़ता है, खड़ा धनिया चाहिए पड़ता है और बस हरी लाल मिर्च चाहिए पड़ती है, ज़्यादा कुछ चाहिए पड़ता नहीं है। तो बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, इसका टेस्ट अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। और मुझे ना आज थोड़ा ज़्यादा बनाना है क्योंकि ये मैं लेके जाऊँगी जहाँ मम्मी जी रह रहे हैं ना, बुआ जी और क्या लेके जाएंगे, वहाँ भी मैंने दिन का उनको मना कर दिया है कि दिन में खाना मत बनाना, तो मैं इडली लेकर आ जाऊँगी। तो बनाते हैं, फिर पैक भी करना है, तो चक्कर में मैंने वो बर्तन भी धो रखा है कि जिसमें लेके जाऊँगी क्योंकि सांभर थोड़ा ज़्यादा ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बड़ी कढ़ाई, मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ली है, जब हमारे मेहमान वगैरह आते हैं तो हम इसमें बनाते हैं साग वगैरह कुछ भी। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कढ़ाई ऑन करते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताते जाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ खाने। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया है, यहाँ मैंने इमली भिगो दी है गर्म पानी, थोड़े हल्के गुनगुने पानी में, तो ये भी जब तक अच्छे से भीग जाएगी। और जो ये इमली है तो पहले इमली को अच्छे से मैश कर देंगे, तो इसके जो ये सारे बीज हैं या फिर जो रेशे हैं ना ये निकल जाते हैं और इसे छान लेंगे। और सो यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो गया है और मैंने लिया है 1 चम्मच खड़ा धनिया, ये है लाल कश्मीरी लाल मिर्च होती है जो, ये नॉर्मल लाल मिर्च है,
ये ज्यादा इसलिए निकाले क्योंकि तड़के के लिए भी यूज करूंगी, इसमें से थोड़ी सी यूज करूंगी, बाकी ये तो यूज कर ही लूंगी, इसमें कलर आ जाता है। तो तेल गर्म हो गया है, हमें ज्यादा कुछ नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे सबसे पहले। सो यहाँ पर दोनों मिर्च डालने के बाद मैंने धनिया जो था वो डाला था, उसके बाद जो कटा नारियल था वो भी डाला था, बट उसकी वीडियो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो वो निकालने के बाद, फ्राई करने के बाद, निकालने के बाद मैंने रेड चटनी के लिए ये टमाटर वगैरह भी डाल दिया था। हमने जो मसाले फ्राई किए थे तो अब इसे पीसना है, तो थोड़ा ठंडा हो गया है, मैंने इसको डाल दिया है ग्राइंडर में, और जो ये प्योरी थी यही डाल के इसको पीस दूंगी थोड़ा थोड़ा, बाकी एक्स्ट्रा वैसे ही डाल देंगे। हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है, और इतना जो ये प्योरी था ना इमली का, ये बचा हुआ है, ये हम उसमें बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ ये टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल देते हैं, इनको ठंडा करने के लिए रखते हैं। फ्राई टमाटर मैंने निकाल दिए हैं, इसे ठंडा करने के लिए बाहर रखती हूँ, और हमारी कढ़ाई हो गई है खाली। अब जो ये दाल थी वो सीधे इस कढ़ाई में डाल देनी है बिना किसी तड़के वड़के के डायरेक्ट। तेज आंच में थोड़ा पकने देते हैं, वैसे ही मुझे इतना लेट हो रहा है खाना बनाने में, और ये देखो बारिश आ गई है, और मुझे फिर कपड़े उठाने पड़ेंगे, तो पहले कपड़े उठा लेती हूँ उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी। अभी फ़िलहाल इनके लिए कपड़ों को ऐसे डाल देती हूँ, इनको भी बाद में चेयर लगा के फिर सुखाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम हो गया है ज़्यादा। और ये देखो आराध्या ने केले खा के यहीं पर ही रख दिया, ये यहाँ पर ठंडा करने के लिए रखा है, आराध्या को मैंने एक काम दे रखा, खाते भी जा रहे हो, चलो खा लो कोई बात नहीं। तो ये जो चने होते हैं ना, ये चने हैं, मेरे पास वैसी दाल नहीं थी, वो जो दाल आ जाती है एक चटनी पीसने के लिए नारियल वाली, तो ये थी नहीं, तो मैंने कहा आराध्या इसमें से बीन बीन के इसमें डाल दे, मुझे यूज़ करना है। थैंक यू आराध्या। और ये हमारी दाल भी देखो बन गई है अच्छे से, तो अब ये जो मसाला है ना, ये सारा का सारा मसाला इसमें डाल देना है, पानी डाल के छिला के फिर डालते हैं इसमें। मैंने मसाला डाल दिया था और उसके बाद पानी भी डाल दिया है, क्योंकि बहुत गाढ़ा हो जाता है ये, तो देखो पूरी कढ़ाई भर के बन गया है। अभी तो पकेगा, इसमें टाइम लगेगा, फिर लास्ट में हमें इसमें डालना है तड़का। और इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी भी डाली है, थोड़ा मीठा भी लगना चाहिए हल्का सा, मतलब इतने सारे सांभर में सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये है पेस्ट, आधा पेस्ट मैंने रख दिया है, क्योंकि शाम को राधे पापा और राधे के चाचू भी आएंगे ना, तो उनके लिए भी रख दिया, बाकी ये है पेस्ट, इससे काफ़ी बन जाएगी। और इसमें डालना है इनो, क्योंकि इसमें खमीर उठा नहीं है इसलिए इनो डाल रहे हैं, तो मैं एक पैकेट पूरा डाल दूँगी, और अगर अच्छा और ज़्यादा फ्लफी चाहिए तो थोड़ा सा और सेकेंड पैकेट को भी थोड़ा हाफ डाल देती हूँ, मतलब 1.5 मैंने डाल दिया, और इसे मिक्स करेंगे। आराध्या छीन के लेके आ रही है, बेटा तूने इतने कम कर दिए, तो और देती हूँ रुपया छीनने के लिए भी। नहीं, इन स्टैंडों में मैंने लगा दिए थोड़ा थोड़ा ऑयल, और अब ये डाल देंगे, एक एक करछी डल जाता है इसमें। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो ये देखो पानी गर्म होने वाला है, जैसे पानी गर्म होगा तो फिर ये हम डाल देंगे, और 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी इडली रेडी हो जाएगी। और सांभर देखो हमारा पक रहा है, थड़क रहा है, पता नहीं कैसा बनेगा। तो सांभर अभी मैंने टेस्ट करा है, सांभर तो मस्त, टेस्ट तो अच्छा आ रहा है उसका, अच्छा लग रहा है, चटपटा सा। और ये जो लाल चटनी थी वो भी पिस चुकी है, और जो वाइट वाली जो नारियल की चटनी थी ना, वो मैं नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि नारियल सिर्फ इतने से हैं, इतने से होगा नहीं, तो मैंने मम्मी जी को बोल दिया वहाँ नारियल मंगा देंगे, तो वहीं पर ही पीस लेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ छत में इसका तड़के का सामान लेने के लिए, मतलब कड़ी पत्ता लेने के लिए, पता नहीं बारिश हो रही है नहीं हो रही, देखती हूँ बाहर जाके, इडली के हाल भी देख लेते हैं क्या है। वाह देखो कितनी बड़ी बड़ी कुछ ज़्यादा मैंने डाल दिया, ओवरलोड हो गई है, थोड़ा पकने देते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है। इतना लेकर आई हूँ कड़ी पत्ता मैं छत से, बारिश भी हुई थी, बाकी और टाइम होता तो नीचे से भी ले आते हैं बड़ा वाला, ये हमारे यहाँ छोटा वाला था, तो ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तेल गरम हो गया है, तो अब हम तड़का मारेंगे। तड़के के लिए कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, हींग, और ये जो सरसों होता है ना, ये वाला, इसका तड़का ना, तड़का इसमें डाल दिया थोड़ा सा, और बाकी ये है मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सो मैं हो गई हूँ जाने के लिए रेडी, कैब बुक कर दी है, कैब या ऑटो पता नहीं क्या बुक करा है, जो भी आएगा
और ये सामान मैंने रख दिया है, तो ये सामान लेके जाना है। और अभी करीबन बज रहा है, करेक्ट 2:30 बज रहा है। तो हम लोग पहुँच गए अब्बुआ जी के यहाँ। अब मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है ये वाला सांभर गर्म करने के लिए, और चटनी पीसी है अभी, ये देखो पूरा पतीला भर के। तो ये इडली है, तो मैं लगाती हूँ पहले खाना पापा जी और मम्मी जी के लिए। ये देखो ये हमारी बुआ जी ने बनाए दिए, खुद बनाते हैं और ये बनवाती है। बनवाए हैं अच्छा लग रहा है ये तो बने बनाए आते हैं मतलब मैं। अच्छा 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 वो दिए बने बनाए हैं ना, इसको डेकोरेट किया है। हाँ तो कुछ और सोच रही मैं दिए बनाने के लिए कुछ भी अपना। अच्छा नहीं तो वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब दिए मतलब शायद हो सकता है कि दिए बनाना। हाँ पहले ये बेस बनाया होगा पूरे का ना, ये ऐसे कलर बनाया होगा पहले ना। आराध्य ने अपनी दुकान खोल दी है, देखो अच्छे लग रहे हैं। मम्मी पकड़ लो भैया, मीठा लग रहा है। हाँ आते रहो, वेरी गुड, सही है, बढ़िया। हाँ हाँ।